अरे राहुल मुझे ये बताओ, ये तीसरा बैग लेकर चलने की क्या जरूरत थी? एक बैग तुम्हारे पीछे लटका है, एक बैग मैं अपने पीछे लटकाई हुई हूँ, ये तीसरा बैग लाने की क्या जरूरत थी? इसमें क्या है तुम्हारा? अब इस बैग को पैदल लेकर चलना कितना मुश्किल हो रहा है, पता नहीं मंजिल कब आएगी। एक तो इस रोड पर ना ऑटो रिक्शा है ना कोई रिक्शा है। अरे योगी जी तुम भी बेफालतू की बात कर रहे हो, ये तीसरा जो बैग है इसमें खाने पीने का सामान है। मेरे बैग में कपड़े हैं और तुम्हारे भी बैग में कपड़े हैं, तो पीछे लटके हुए हैं बैग, लेकिन जो अपना हाथ में लेकर चल रहे हैं दोनों लोग पकड़कर, इसमें खाने पीने का सामान है। खाओगे पियोगे नहीं, रास्ते में मजदूरी की तलाश में गाँव से शहर की तरफ चले हैं अपना लोग, पता नहीं कब शहर आएगा। अब कोई ऑटो रिक्शा या रिक्शा कर लो, उसी पर बैठ के चलेंगे, मेरे तो पैर थक गए भैया। रुको भाई रुको। जी भाई साहब रोक लिया मैंने रिक्शा, बताओ कहाँ पर चलना है, चलो। अरे भाई साहब शहर यहाँ से कितनी दूर रह गया है अभी? अरे शहर तो अभी 3 किलोमीटर दूर है, क्या 3 किलोमीटर तक पैदल जाओगे? मेरे रिक्शे पर बैठ जाओ, छोड़ दूंगा तुम्हें शहर। अरे भाई साहब हम 30 किलोमीटर गांव से पैदल चले आ रहे हैं, ये तो 3 किलोमीटर रह गया, ये 3 किलोमीटर का सफर भी कट जाएगा, आप जाओ हम पैदल ही जाएंगे। देखो योगी जी अब मैं तो चल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पैर पूरी तरीके से थक गए, गांव से कम 25 किलोमीटर हो गया। रिक्शे वाले भैया आप शहर तक के कितने रुपए लोगे बता दो रुपए हमें। अरे मैं कोई आपसे घर बार थोड़ी ले लूंगा, सिर्फ 50 रुपए एक आदमी के, आ जाओ बैठ जाओ जितने भी बैठना चाहते हो। अरे भाई साहब पैसे कुछ ज्यादा ना मांग रहे हो, 50 रुपए सवारी बहुत ज्यादा हो गए, आप 20 रुपए सवारी लो। और एक बात और, हम पांचों लोगों को इकट्ठा बैठा लोगे रिक्शे पर अपने? देखो भाई साहब पैसे तो मैं उतने ही लूंगा, 50 रुपए एक आदमी के यानी के 50 रुपए सवारी, और रही बैठाने की बात, आप तो 5 लोग हो, मैं अपने रिक्शे पर 10-10 लोग एक साथ बैठाता हूँ। अरे योगी जी बैठ जाते हैं रिक्शे पर क्योंकि चलते चलते अपना लोग थक जाओगे तो शहर जाकर मजदूरी क्या करोगे, कम से कम मजदूरी के लिए थकान बचा कर रखो। ऐसा है भाई साहब मैं आपसे ज्यादा नहीं कहूंगा, आप 50 रुपए एक आदमी के मांग रहे, मैं 40 रुपए आदमी कहता हूँ, 40 रुपए सवारी के हिसाब से बैठा लो हमें। आप ज्यादा कहो या कम कहो मुझे कोई मतलब नहीं, मैं लूंगा तो 50 रुपए सवारी, बैठना है बैठो नहीं बैठना है कोई बात नहीं। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ये बात अच्छी नहीं है मोदी जी, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है मुझे तुम्हारी ये बात। कौन सी बात अच्छी नहीं लग रही है नीतीश कुमार जी, मुझे बताओ कौन सी बात? ये तो तुम्हें मालूम ही है कि मैं भंडारा करा रहा हूँ, लेकिन भंडारे का खाना चालू होने में अभी आधा घंटा बाकी है, तुम अभी से थाली लेकर क्यों आ गए? आधे घंटे बाद सबके साथ खाना, हम सब लोग खड़े हुए हैं, हम ही खिलाएंगे आप लोगों को, थोड़ी देर इंतजार कर लो बस आधे घंटे का। देखो नीतीश कुमार जी जितनी देर इंतजार करने का था मैंने कर लिया, मैं सुबह ही आकर बैठ गया हूँ, तुम्हारा भंडारे का खाना जब बन रहा था छोले आलू की सब्जी सब कुछ मेरे सामने बना है, मैं कब तक इंतजार करूं? भाई मुझे तो भूख लगी है, मैं तो अभी खाऊंगा, बाकी लोगों को बात को खिलाते रहना भंडारा। जरा योगी जी रसीले आलू की सब्जी देना मेरी थाली में। देखो मोदी जी मैं तो आपको कुछ नहीं दूंगा, कह देता हूँ जब तक खाना स्टार्ट नहीं होगा मैं कुछ नहीं दूंगा, अपने हाथ से निकालना है जो भी चीज निकाल लो, चाहे सब्जी लो पूड़ी लो चावल लो कुछ भी लो अपने आप ले लो, भाई हम नहीं देंगे जब तक खाना स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि ये नीतीश कुमार जी ने कह दिया है कि पूरे 12 बजे खाना स्टार्ट कर देना, भंडारा स्टार्ट कर देना, अभी 11:30 ही बजे। चलो योगी जी कोई बात नहीं है, मत दो मैं अपने आप से ले लेता हूँ रसीले आलू की सब्जी। राहुल ऐसा करो 2-3 पूड़ी दे देना मेरी थाली में। अरे मोदी जी आपके थाली में पहले से कम पूड़ी है, अपने आप आपने उठा के 3 पूड़ी रख ली है और मुझसे और मांग रहे हो, कम से कम ये 3 पूड़ी तो पहले खाओ। अरे नीतीश कुमार जी तुमने तो बोला था 12 बजे भंडारे का खाना शुरू होगा, लेकिन ये मोदी जी तो 11:30 ही बजे खाने लगे। चलो भाई हम भी खाना शुरू कर देते हैं। बताओ मोदी जी अब मैं क्या करूं, केजरीवाल भी भंडारे का खाना खाने के लिए आ गए, अब मैं उन्हें कैसे मना करूं? मैं कह रहा था कि आप मत खाओ, आपको देखकर और भी लोग खाने लगेंगे, जबकि 12 बजे का टाइम है भंडारा शुरू होने का। अरे नीतीश कुमार जी तुम चिंता मत करो, केजरीवाल को मैं समझा देता हूँ, असल में केजरीवाल जी मुझे भूख बहुत ज्यादा लगी थी इसीलिए मैंने थाली उठाकर अपने आप पूरी सब्जी सब कुछ ले ली, हालांकि अभी भंडारा शुरू नहीं हुआ है, तुम अभी मत खाओ, तुम पूरे 12 बजे खाना। ये बताओ मोदी जी जब 12 नहीं बजे हैं तुम्हें कितनी भी भूख लगी थी तुमने खाना क्यों शुरू कर दिया? नीतीश कुमार जी ये तो गलत बात है, जब मोदी जी खाना खाने लगे तो भंडारे का खाना हमें खाने के लिए मना क्यों कर रहे हो? चलो भाई फिर क्या करा जाए, टाइम उम को नहीं देखते हैं, चलो भंडारे का खाना चालू होता है, खाओ केजरीवाल अखिलेश आ जाओ। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।